नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही विपक्षियों का कुनबा महागठबंधन अति महत्वाकांक्षी होता जा रहा है, जिसके चलते सभी नेता अहम के साथ वहम का भी शिकार हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेसियों की बैठक दिल्ली में होगी और 17 सीटों पर विचार करेगी। अब राजद प्रतीक्षा में है। एनडीए गठबंधन का लोजपा भी हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी है। रामविलास पासवान समय के साथ उम्रदराज होते जा रहे हैं और चिराग पासवान में अभी भी अनुभव की कमी है। विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू से तल्खी एनडीए गठबंधन के लिए सुकून भरा नहीं कहा जा सकता। सीटों को लेकर तानातानी से जूझ रहे राजद के मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव का मूड खराब है। इस बीच उम्मीदवारों की पहली सूची लेकर सुप्रीमो लालू प्रसाद के पास दल के वरिष्ठ नेता भोला यादव रांची पहुंच चुके हैं। बिहारी नेताओं की नजरें टिकी हैं रांची की ओर। रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन की गांठ खोल अब बाहर निकल चुके हैं। उनकी चाहत भी आज अपने हिसाब से सही है। इस बीच वे जाप, बसपा एवं अन्य को लेकर एक मोर्चा तैयार किया जा रहा है, जिसके बैनर तले तीसरा मोर्चा कामयाबी की ओर बढ़ने लगा है। मोर्चा ने उपेंद्र कुशवाहा को सीएम उम्मीदवार के रूप में माना है। खबरों के मुताबिक देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। इस बीच लगातार कोरोना संक्रमण का फिर से प्रभाव बढ़ना चिंता बढ़ाने वाली बात कही जा सकती है। बिहार में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, लेकिन संतोषजनक है कि रिकॉर्ड संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। पटना पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम का आज यहां व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक निर्धारित है। आज वे लोग लगभग 26 जिलों के डीएम एसपी से भी तैयारियों का जायजा लेंगे। दलित राजनीति करने वाले नेता इस चुनाव में कुछ अधिक हो गए हैं। दलित, अल्पसंख्यक, गरीब तथा वंचित वर्ग की रहनुमाई कर सभी पार्टियां चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि जनता की चुप्पी से नेताओं की नींद उचट गई है। इस बीच वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। यहां सात नवंबर को मतदान कराए जाएंगे। इस क्षेत्र में अभी से गहमागहमी बढ़ने लगी है। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव को लेकर बैनर, पोस्टर बनाने वाले लोगों के चेहरे पर कोरोना इफेक्ट साफ देखा जा रहा है। मतलब साफ है कि वर्चुअल कीबोर्ड को अपनाया जा रहा है, जिससे इनके व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ा है। बढ़ती महंगाई की मार झेल रही आम जनता को भरोसा है कि विभिन्न पार्टियां इसे मुद्दा बनाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। इन दिनों सब्जियां, अनाज और तिलहन दलहन का भाव काफी बढ़ गया है, जिससे आम लोगों का जायका बिगड़ने लगा है। प्याज की कीमत 50 रुपये प्रति किलो है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।